वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ पोहे की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से हम बनाएंगे पोहा। वैसे भी बहुत आसान होता है पोहे को बनाना। मैं आपको बताऊँगी जिस तरीके से महाराष्ट्र में पोहा मिलता है उसी तरीके से मैं आपको बताऊँगी, सेम टेस्ट वही आएगा जिस तरीके से वहाँ पे स्ट्रीट्स पे दिया जाता है। बिल्कुल भी आपका पोहा जो है वो चिपका चिपका नहीं बनेगा। अब आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताऊँगी जिस तरीके से बिल्कुल खिला खिला आपका पोहा बन के रेडी होगा। तो देख लेते हैं आज की रेसिपी महाराष्ट्र पोहा। सबसे पहले आप एक कढ़ाई लें, उसमें ऐड करें 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल। ऑयल को अच्छे तरीके से यहाँ पे हम गरम होने देंगे। तो ऑयल तो अच्छे तरीके से गरम हो चुका है। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी कुछ पीनट्स, जितने आपको पसंद हो आप उतने इसमें पीनट्स ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़े ज़्यादा पसंद है तो मैं इसमें ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, आप अपने मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा हमें इन मूंगफली के दानों को जलाना नहीं है। सो आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से यहाँ पे मूंगफली के दाने अच्छे तरीके, जब आपको इसमें चटर-पटर की आवाज़ आने लगे बस उसी टाइम आप फ्लेम को ऑफ कर दें और सारे मूंगफली के दानों को निकाल लें। तो मूंगफली के दाने तो सारे निकल चुके हैं, रेडी हैं। उसके बाद देखें, एक मैंने यहाँ पे पोटैटो लिया है, आलू लिया है और कुछ इस तरीके से उसको काट लिया है। देखिए आलू डालने से बस एक फाइन फ्लेवर आता है पोहे में, और जिस तरीके से महाराष्ट्र में मिलता है बनता है इसी तरीके से पोहे को बनाया जाता है। तो इसमें मैंने आलू का यहाँ पे यूज़ किया है। आप अगर नहीं पसंद हो आपको तो आप इस पॉइंट पे स्किप भी कर सकते हो। तो देखिए बस इस तरीके से हमें आलू को हल्का सा गोल्डन सा ब्राउन कर लेना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आलू बहुत जल्दी पक जाता है, सॉगी हो जाता है। तो ये भी रेडी है, आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। अब जहाँ पे चावल ज़्यादा खाए जाते हैं जैसे कि बांग्लादेश में, नेपाल में, तो वहाँ पे हल्का सा चावल को स्लाइटली कुक करके और उसको तेज कूट के इस तरीके से स्लाइटेड पोहा बनाया जाता है, चिवड़ा बनाया जाता है। और इस पोहे का, इस चिवड़े का 3 वैराइटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे कि मीडियम साइज़ का पोहा होता है, और एक कुछ ज़्यादा बारीक पोहा होता है, और एक महीन पोहा जिसे कह सकते हैं, और एक होता है जाड़ा पोहा। तो 3 वैराइटीज़ अवेलेबल हैं इस चिवड़े की। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बिल्कुल मीडियम वाला पोहा यूज़ किया है। और उसके बाद आपने देखा मैंने पानी से इसको बिल्कुल नहीं धोया है, बस ऊपर से हल्का सा वाटर ऐड किया है। जितना इसको अपने अंदर सोक करना होगा इतना ये सोक कर लेगा उतना, और उसके बाद ये एक्सेस कर देगा जितना इसको अपने में से निकालना होगा। उसी के बाद मैंने यहाँ पर ऐड करा 1.5 टीस्पून के करीब चीनी। चीनी से आप ये ना समझें कि मीठा हो जाएगा, बिल्कुल मीठा नहीं होगा, टेस्ट जो है वो एक बैलेंस रहेगा। सॉल्ट भी मैंने ऐड करा है यहाँ पे अपने मुताबिक, सॉल्ट आप ऐड कर दें, आधा हमने अभी डाला आधा हम बाद में डालेंगे। हल्का सा मैंने यहाँ पे स्क्वीज़ करके डाल दिया नींबू। नींबू को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, खिला खिला बिल्कुल आपका पोहा बनेगा। नींबू स्क्वीज़ करके आप ज़रूर डालें। उसके बाद हाथ से आप इस तरीके से अच्छे तरीके से मिक्स कर दें, एक बार घुमा दें, और बस हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। आगे देख लेते हैं। उसके बाद सेम ऑयल में यहाँ पे ऐड करेंगे मस्टर्ड सीड्स, ज़ीरा ऐड किया मैंने यहाँ पे, और हींग ऐड करी। हींग को आप बिल्कुल ना भूलें। और उसी के साथ साथ कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, और हाई फ्लेम पे इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से कर देंगे स्टर। बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगी मैं आपको इस रेसिपी में, आपको पोहा बनाना है किस तरीके से, बहुत ही आसान, और वही सेम टेस्ट निकल के आएगा, अब यकीन करिए जब आप बनाओगे तभी आप लोगों को पता चलेगा। तो ये यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद देखिए 2 यहाँ पे प्याज़ें मैंने ली थी और उसको इस तरीके से बारीक बारीक चॉप्ड कर लिया है, वो भी आप यहाँ पर ऐड कर दें। मेक श्योर ज़्यादा बारीक आप प्याज को ना काटें, हल्की सी मोटी रखें तो वो मुँह में आएगी तो बहुत अच्छा एक फ्लेवर आएगा। उसके बाद अच्छे तरीके से सब चीज़ को कर देंगे मिक्स। फ्लेम जो है वो इस पॉइंट पे अभी भी हाई है, और हमें प्याज को तब तक भूनना है जब तक एक हल्का सा इसमें ब्राउन कलर नहीं आ जाता, ज़्यादा नहीं पकाना, मेक श्योर। उसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे फ्रेश करी लीव्स, करी पत्ते। अगर आप लोग के पास ड्राई करी लीव्स हो तो आप ड्राई भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ताज़े की बात फ्रेश की बात अलग ही होती है, कोशिश करें फ्रेश ही डालें। इसके साथ भी इसको कर देंगे मिक्स। सब चीजें अच्छे तरीके से यहाँ पे पक गई हैं, कुक हो गई हैं बहुत अच्छे तरीके से, प्याज भी। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे
हल्दी 1.5 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे हल्दी ऐड करी, और हल्दी को भी हम अच्छे तरीके से पका लेंगे, भून लेंगे। उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे पानी का छींटा मारा, जिससे जो है हल्दी जले नहीं हमारी, क्योंकि हल्दी बहुत लाइट होती है, बहुत जल्दी जल जाती है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे आलू ऐड कर दिए, आलू को भी इसके साथ एक बार कर लेंगे मिक्स। बस ज़्यादा नहीं चलाएंगे, आलू टूट जाएंगे क्योंकि आलू फ्राई हुए हैं। उसके बाद इमिजिएटली हम यहाँ पे ऐड कर देंगे ये चिवड़ा मीन्स पोहा, और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा खिला खिला पोहा हो रहा है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। आप इसी तरीके से अगर बनाओगे तो आपका पोहा बहुत ही ज़्यादा खिला खिला बनेगा। कोशिश करें जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उसी तरीके से आप बनाओगे, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, 100% मेरी गारंटी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ मूंगफली देखे जो हमने फ्राई करके रखी थी, वो सारी ऐड कर दी है। अभी हमने आधी डाली है, आधी हम बाद में ऐड करेंगे। बस सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे, और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको ढक के रखा था। तो जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, और सॉल्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया है अपने मुताबिक, अपने हिसाब से आप सॉल्ट यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं जितना आपको पसंद। कितना अमेजिंग, कितना सुपर लग रहा है ये हमारा पोहा, कितना आसान है इसको बनाना। और आपने देखा वैसे अलग अलग तरीक़ों से भी बनाया जाता है पोहा, तो ये बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है पोहा बनाने का। और इसमें आप कुछ बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए परफेक्ट। तो चलिए, तो रेडी, लेट्स स्प्रेड इट आउट। उसके बाद ऊपर से कुछ, देखिए मैंने आपको बताया था मूंगफली के दाने ऊपर से डाल देंगे, साथ ही साथ बिल्कुल मार्केट स्टाइल जिस तरीके से वो लोग देते हैं मार्केट्स में बया लोग, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे बारीक कटी हुई ऊपर से प्याज डाली। और नींबू को तो हम बिल्कुल स्किप ही नहीं कर सकते, अगर पोहा बनाया है तो नींबू तक, लेमन तक कंपलसरी है। आप ऊपर से डाल के इसमें स्क्वीज़ करके लेमन को पोहे में डाल के आप खाएँ, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सुपर लगता है। सो ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, और share this recipe with your friends and family, and hit the like button and subscribe to my channel if you haven't yet.